हेलो एवरीवन वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ये टॉपिक आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर है सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखिए नेम से ही पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाएगी जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेट करोगे वो अकाउंटेबल होगा ठीक है वो पर्टिकुलर वर्क के लिए पर्टिकुलर टास्क के लिए जो उसे असाइन किया जाएगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा इसी अकाउंटिंग को हम कह रहे हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जैसे कि आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर यही पढ़ा था कि आप कोस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं मींस कोस्ट कम प्रॉफिट ज़्यादा है ना कोस्ट मिनिमाइज एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करें है ना उसके बहुत सारे टूल्स पढ़े थे आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक तरह का एक ऐसा टूल है जिसमें आप कोस्ट कंट्रोल पे तो बाद में फोकस करते हैं पहले फोकस करते हैं वो इंडिविजुअल्स जिनको आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हो ठीक है तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स वो मैनेजर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है उनके ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कोस्ट अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी तो नेम से ही पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेर स्पेसिफिक इंडिविजुअल आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ स्ट कंट्रोल कुछ एरिया सेट कर दिए जाते हैं जिनके रिगार्डिंग आप डिफरेंट पर्सन्स जो उस काम में नॉलेज रखता है उनके स्किल्स हैं उनको पर्टिकुलर टास्क जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना देते हो ठीक है और लास्टली वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और फीडबैक देते हैं ठीक है तो इट मीन्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई वो अकाउंटेबल होंगे अपने पर्टिकुलर एरिया में वो अकाउंटेबल होंगे कि काम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो इस तरह से जब वो अपने आप को सेल्फ चेक करेंगे कि हमने क्या टारगेट लिया था ठीक है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई उसके बेस पर जब अपने आप को कंपेयर करके देखेंगे तो कुछ डेविएशंस अगर निकले तो नेक्स्ट टाइम उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे इस तरह से आपकी कही न कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल होती है तो अल्टीमेटली यहां पर होता क्या है किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी जाती है एक पर्टिकुलर एरियाज में सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है दैट इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट बजटिंग एंड इंटरनल अकाउंटिंग ऑफ अ कंपनी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंटिंग का इज टू सपोर्ट ऑल प्लानिंग कोस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ऑफ अ कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होंगे जैसे कि आ, कोस्ट को कंट्रोल करने का अलग सेंटर होगा ठीक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर मैनेजर पर डाल दी जाएगी कि आपने सारा एरिया जो है वो कोस्ट का ही देखना है ठीक है एक परचेज डिपार्टमेंट होगा तो उसको वो सारा एरिया परचेज का ही देखना है मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने परचेज प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद करना तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उस पर्सन पर उसके लिए हमें डिफरेंट सेंटर्स कहीं ना कहीं एनालाइज करने पड़ते हैं आ, या यू कहूँ कि फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि, कि किस पर्टिकुलर सेंटर पे यहाँ पर किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है कितने सेंटर्स पर वर्क होगा ठीक है तो यहाँ पर उन्हीं सेंटर्स यानी कि वो वर्क एरियाज को ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहा जा रहा है आगे चल के इसके टाइप्स पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ड्यूटी पर्टिकुलर टास्क असाइन किया गया है वो मंथली या एनुअली जो है वो बजट की रिपोर्ट uh, जो है वो प्रिपेयर करता है ठीक है और इट ऑल्सो अकाउंट फॉर द कोस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी साइड बाय साइड कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए भी अकाउंटेबल होता है ठीक है और अकाउंट्स तैयार करता है रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स आर फिर को जो है मंथली और एनुअली किया जाता है और मैनेजर्स uh, जो हैं उनके आगे प्रेजेंट किया जाता है अपने फीडबैक के लिए मतलब जो आपने काम किया आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस वर्क के लिए सेट की गई थी उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं ठीक है और अपना पर्टिकुलर फीडबैक दे रहे हैं मैनेजर को जो आपके सीनियर है होप आपको मैनेजमेंट अकाउंट सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग काम कैसे करती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं इफ मिस्टर एक्स सपोज कीजिए मैनेजर है एक यूनिट के प्लान करते हैं बजट अपने डिपार्टमेंट के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बजट अंडर कंट्रोल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे विद इन बजट काम करवाना है ठीक है सारी इंफॉर्मेशन है ऑब्बियसली बात है वो मैनेजर है अपने यूनिट के ठीक है तो इनकेस अगर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एलोकेटेड बजट जो बजट उन्हें एलोकेट किया गया था अगर उनके एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा हो गए तो मिस्टर एक्स रिस्पांसिबल होंगे ना तो वो क्या करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ एरर आया यानी कि कौन से डेविएशंस आए फिर उनके लिए वो नेसेसरी एक्शंस जो है वो लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो क्योंकि उनकी रिस्पांसिबिलिटी सेट की गई ठीक है तो वो ये जो सारा स्ट्रक्चर वो अपना मतलब अपने वर्क को पहले टारगेट सेट कर रहे हैं देन उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं देन डेविशन फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है देन करेक्टिव ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई थी इस पूरी अकाउंटिंग को ही हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्योंकि मिस्टर एक्स यहां पर क्या है पर्सनली अकाउंटेबल है परफॉर्मेंस के लिए ठीक है होप क्लियर हो गया होगा मीनिंग नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग अभी मैं मीनिंग बताते, बताते ही आपको कहीं ना कहीं इसके स्टेप्स भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हो ठीक है टारगेट सेट करते हो देन आप क्या करते हो ट्रैकिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिस सिबिलिटी सेंटर में आपकी जो है ड्यूटी लगी है या आपको लगीबल बनाया गया उसके लिए ठीक है है दी गई है, आप उस पर्टिकुलर सेंटर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हो आफ्टर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेटेड परफॉर्मेंस यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उससे क्या करते हो कंपेयर करते हो आफ्टर दैट कंपेयर करने के बाद वेरियंसिस फाइंड आउट करते हो ठीक है एनालाइज करते हो उसके बाद

करेक्टिव एक्शन लेकर ये पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम आई या फिर जो भी डेविएश आए उनको दूर कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर देयर इज अ फर्स्ट सेंटर दैट इज कोस्ट सेंटर अब ये सेंटर नेम से ही पता चल रहा है कोस्ट सेंटर यानी कि यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करोगे किसी इंडिविजुअल की किस काम के लिए करोगे कोस्ट को कंट्रोल करने के तो जो पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करोगे ठीक है जिसको आप अकाउंटेबल बनाओगे उसको जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो वो पर्सन ये फाइंड आउट करेगा कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंट्रोलेबल हैं यानी कि जिन पर वो कंट्रोल इजीली कर सकता है बिकॉज अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसिस को तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो जिन एक्सपेंसिस को वो कंट्रोल कर सकता है वो उसको पहले फाइंड आउट करेगा ठीक है और उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज कंट्रोलेबल थे तब भी अगर एक्सपेंसेस ज्यादा आ गए कोस्ट कंट्रोल ना हुई तो वो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सेट की है ठीक है तो यहां पर कोस्ट तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि आपने उस पर्सन को जिसको टारगेट दिया उसको चेक करना है अगर उस पर चेक कर लिया उस पर कंट्रोल रख लिया तो ऑब्वियस बात है जब उस पर चेक रखोगे तो वो अपने आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वो कोशिश करेगा कि कोस्ट कंट्रोल हो जाए है ना तो अल्टीमेटली कोस्ट अपने आप कंट्रोल हो जाएगी नेक्स्ट है रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू सेंटर नेम से पता चल रहा है रेवेन्यू के रिगार्डिंग होगा सो रेवेन्यू सेंटर टेक केयर ऑफ रेवेन्यू ये क्या करेगा इसमें जो पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाएगी वो पर्सन सिर्फ किस चीज के लिए लाइबल होगा कि रेवेन्यू को ध्यान में रखे ठीक है कंपनी की सेल्स टीम्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि मेन रेवेन्यू जो है उन्होंने ही सेल करके जनरेट करना होता है नेक्स्ट इसका टाइप आता है जी प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट सेंटर देखिए अब ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपने अपना एरिया जो है वो फाइंड आउट किया कि प्रॉफिट का भी एक एरिया है ना तो उसका एक सेंटर बना दिया अब उस सेंटर में एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी कि आपने कॉस्ट और रेवेन्यू की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर करते रहना है और पता लगाते रहना है कि जो टारगेट सेट किया प्रॉफिट का उतना अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर अब एक मैनेजर होगा जो पर्टिकुलर इस सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब एक मैनेजर को इस पर्टिकुलर सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ठीक है जो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बिकॉज अगर आपने इन्वेस्ट किया तो प्रॉपरली उसका रिटर्न मिलना चाहिए है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया वो ओवर कैपिटलाइज कर दिया या ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी ना ही अंडर होनी चाहिए ना ही ओवर होनी चाहिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ईच एंड एवरी रिसोर्सेज का जिसमें आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए तो यहाँ पर वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होप आपको टाइप्स क्लियर नेक्स्ट टॉपिक है जी एडवांटेजेस अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सेट कर रहे हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं पहला इससे क्या होगा इट एस्टैब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल हर एरिया में एक पर्सन की यानी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी जाएगी तो हर एरिया में प्रॉपर कंट्रोल होगा ठीक है प्रॉपर तरीके से वर्क जो है वो स्मूदली चलेगा नेक्स्ट है इट प्रोमोट्स द इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस ऑफ इन ऑफिस स्टाफ एज हैव टू एक्सप्लेन द डेविएशंस ऑफ देयर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हर सेंटर में स्टेप्स फॉलो होंगे टारगेट सेट किया जाएगा ठीक है आफ्टर दैट परफॉर्मेंस जो होगी उसको कंपेयर किया जाएगा उसके बाद जो डेवियेशन आएंगे वो मैनेजर अपने जितने भी स्टाफ है उसको कम्युनिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर डेविएशन आए हैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं आने चाहिए इसके लिए ये ये करेक्टिव एक्शन है तो इससे क्या हुआ आपको आपकी डेवियेशंस का पता चला ठीक है और उससे कैसे दूर किया जाए उसके करेक्टिव एक्शन भी आपको पता चल जाते हैं जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है नेक्स्ट है इट सिंप्लीफाइज अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बिकॉज इट एक्सक्लूड आइटम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल अभी मैंने आपको को सेंटर में पढ़ाया जो कंट्रोलेबल एक्सपेंसिस हैं सिर्फ उनके उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो अनकंट्रोलेबल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है ये इसकी एक एडवांटेज है इट इज हेल्पफुल फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू मेक एन इफेक्टिव डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव डिसीजन लेने ईजी हो जाते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सिस्टम के साथ

अगर आप भी अगर एक बजट बनाते हैं ना एक पर्टिकुलर कोई भी आ, काम ले लीजिए शॉपिंग का भी ले लीजिए अगर आप एक बजट तैयार करते हैं तो अपने आप को विद इन बजट रखने की ट्राई तो करते हैं है ना तो यही बिजनेस में है अगर आपने बजट तैयार कर लिया मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि विद इन बजट वर्क होना चाहिए तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर विद इन बजट वर्क नहीं हुआ है ना उसे डर होगा कि अगर वेरिएशन आए तो मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा मतलब मुझे अपने से ऊपर वालों को जवाब देना है तो क्या होगा वो ट्राई करेगा कि विद इन बजट ही काम हो यानी कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसके लिए सेट की जाती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की कोशिश करता है क्योंकि वही सभी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू कंपेयर अचीवमेंट्स बिटवीन द प्री गोल्स आपने पहले से प्लानिंग की है कि ये पर्टिकुलर टारगेट है मेरा आप उसको कंपेयर भी तो कर रहे हो और कंपेयर करने से ही पता चलता है कि वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है ठीक है जैसे ही अपनी वीकनेस पता चल जाए और अगर आप अपनी वीकनेस पे वर्क और अचीवमेंट विल बी रिव्यू जब एक पर्सन काम करता है ठीक है और उसके वर्क और उसके अचीवमेंट को रिव्यू किया जाए और रिव्यू करके अगर अच्छा किया है ऑब्वियस बात है उसे मोटिवेट किया जाए अगर अच्छा नहीं हुआ यानी कि कुछ कमियां रही हैं तो अगर हम उसे इंटीमेट करते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर वो पर्टिकुलर इम्प्लॉय नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेगा खुद को है ना तो ये उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी इससे नेक्स्ट है इट गाइड्स द मैनेजमेंट टू प्लान एंड स्ट्रक्चर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, अकाउंटिंग की हेल्प से कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट को गाइडेंस मिल रही है कि वो आगे के लिए कैसे प्लान करे ठीक तो है बींग कंट्रोल टूल देखिए कोस्ट कंट्रोल टूल तो ये है ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रहे हैं ठीक है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है तो वो ट्राई तो करेगा ना कि कॉस्ट कंट्रोल होनी तो मुझे तो जवाब देना है तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट कंट्रोल टूल है इससे कहीं ना कहीं कोस्ट कॉन्शियसनेस भी आती है वर्कर्स की अमन है ना क्योंकि वर्कर्स को भी लगेगा कि नहीं कोस्ट कम आनी चाहिए नहीं तो जवाब देना पड़ेगा ठीक है तो वो कहीं ना कहीं हर चीज का बेटर यूटिलाइजेशन करती है ना कि वेस्टेज कर ठीक है वेस्टेज से बचते हैं ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज ना हो इस बात पे ध्यान देते हैं इंडिविजुअल उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है कि ये टारगेट हमें अचीव करना है सो so, होप आपको इनके एडवांटेजेस क्लियर हैं नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस इट रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कफोर्स इन ईच डिपार्टमेंट व्हिच इंक्रीजेस इट्स कॉस्ट Obviously बात है अगर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है किसी पर्सन की तो वो लायक भी होना चाहिए है ना तो आपको स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी जो कि कहीं ना कहीं कोस्ट बढ़ाते हैं क्योंकि वो कम सैलरी पे अपॉइंट नहीं हो सकते ठीक है तो इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ती है हर सिक्के के दो पहलू हैं एडवांटेजेस हैं तो साइड बाय साइड डिसएडवांटेजेस भी कुछ एग्जिस्ट करती हैं नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइज़ ओनली टू कंट्रोलेबल कोस्ट ऑब्वियसली बात है अभी मैंने आपको बताया कंट्रोलेबल कोस्ट पे ही अप्लाई हो रहा है उसी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो अनकंट्रोलेबल पे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं सो so, अनकंट्रोलेबल को यहाँ पे क्या कर दिया गया टोटली totally इग्नोर कर दिया गया नेक्स्ट है इट इज सॉरी इफ द रिस्िस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा ये सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा साउंड स्ट्रक्चर अगर कि आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या बनने चाहिए जैसे अभी हमने सेंटर्स पढ़े की प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर पर डाल दी सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर पर डाल दी कोर्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉसिबिलिटी पे डाल दी क्योंकि ये एरियाज फाइंड आउट किए गए कि ये सेंटर्स सेट किए जा सकते हैं ठीक है थीके? पर अगर स्ट्रक्चर ही ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट ना हो तो आप ये सेंटर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली नहीं सेट कर पाएंगे नेक्स्ट है इफ एडिक्वेटली कम्युनिकेट अ अगेन वही कि अगर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो भी ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा वो आउटकम्स नहीं आ पाएंगे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हो ठीक है होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जैसा कि पेपर आने वाले हैं जितने लोगों तक जाएगी उनका भी भला होगा ठीक है और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे थैंक यू डे